दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं उजाला आई ड्रॉप के बारे में। बहुत ही सामान्य सी पैकिंग में आने वाली यह आई ड्रॉप निर्माण की जाती है हिमालय केमिकल फार्मेसी हरिद्वार वालों के द्वारा। 10 ml की पैकिंग में आने वाली इस आई ड्रॉप की कीमत होती है मात्र ₹35। आपको अपने आसपास आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से यह बहुत आसानी के साथ में मिल जाती है। बात करें इस आई ड्रॉप के फॉर्मूले के बारे में, तो कुल मिलाकर तीन चीज़ों के संयोग से इसका निर्माण किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से इसमें ग्लिसरीन मिलाई जाती है और ग्लिसरीन के साथ में इसमें ममीरे का प्रयोग किया जाता है। साथ ही यशद भस्म इसके अंदर मिलाई जाती है। दोनों मिलाकर 1% से भी कम तत्व दोनों का बैठता है, बाकी हिस्सा इसका ग्लिसरीन का होता है। इस आई ड्रॉप के डालने से आँखों को बहुत सारे फायदे होते हैं, जिनमें से प्रमुख फायदा है आँखों में थकान की समस्या जो रहती है उसको ख़त्म करने के लिए यह उजाला आई ड्रॉप बहुत गुणकारी रहती है। इस आई ड्रॉप को खोलकर मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस तरह की इसकी अपीरियंस रहती है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, साफ, निर्मल जल की तरह इसके अंदर दवा होती है, जो कि मुख्यतः ग्लिसरीन है। उसके साथ में जिंक और यशद भस्म रहती है। इसके साथ ही इसके अंदर एक मैनुअल दिया गया है, जिसमें इस मेडिसिन के बारे में और कंपनी के बारे में जानकारी दी गई है कि किस किस तरह से यह उजाला आई ड्रॉप का आपको यूज़ करना चाहिए और किन किन रोगों में आपको यह फ़ायदा करती है। तो बहरहाल, फ़िलहाल इस पर्चे को हम अलग रखते हैं और बात करते हैं इस उजाला आई ड्रॉप के बारे में। इस उजाला आई ड्रॉप को डालने का पहला फ़ायदा तो यह रहता है कि जो लोग अपनी आँखों में थकान की समस्या को लेकर परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा लैपटॉप पर काम करने के कारण, मोबाइल और टेलीविज़न चलाने के कारण आँखें थक जाती हैं, तो ऐसे लोग यदि दिन में एक या दो बार दो दो बूंद उजाला आई ड्रॉप को अपनी आँखों में डालते हैं, तो उनकी आँखों में काफ़ी अच्छी तरीके से आराम आता है, काफ़ी रिलैक्स उनको फील होता है और उनकी थकान की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती है, आँखों में होने वाली थकान। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा जो इसका रहता है, वो रहता है आँखों की सफाई करने के लिए। चूँकि इसके अंदर ग्लिसरीन मिलाया गया है, साथ ही ममीरा भी इसके अंदर है, तो ये दोनों ही तत्व आँखों की सफाई करने के लिए बहुत गुणकारी माने जाते हैं। दोस्तों, इस आई ड्रॉप को अपनी आँखों में डालने के बाद में 5 मिनट तक यह आँखों में बहुत ज़्यादा जलती है, और इतना जलती है कि डालने वाला थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है। लेकिन यह एक सामान्य सी बात है जो ग्लिसरीन और ममीरे के कारण होती है। इस जलन का आँखों में कोई भी नुकसान नहीं होता है और लगभग 5 मिनट के बाद में यह जलन आँखों में पूरी तरह समाप्त होकर के एक असीम शीतलता का एहसास आँखों को देती है। इस दौरान आँखों से बहुत ज़्यादा मात्रा में गंदा पानी निकल जाता है और आँखें पूरी तरह से साफ और निर्मल हो जाती हैं। इस आई ड्रॉप का तीसरा फायदा जो रहता है, वो रहता है कि जिन लोगों को रात को अंधेरे में देखने में परेशानी होती है, जिन लोगों की आईसाइट थोड़ा सा वीक होने लगी है, तो ऐसे लोगों की आँखों की सफाई होने के कारण उनका विज़न भी क्लियर होता है, उनकी जो देखने की क्षमता है थोड़ी ब्राइट हो जाती है और उनको अपनी समस्याओं में काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। दोस्तों, इस आई ड्रॉप के बारे में कुछ सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए। जैसे कि यदि आपकी आँखों में किसी विशेष प्रकार की सर्जरी हुई है, तो आपको इस आई ड्रॉप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा यदि आपकी आँखों में किसी अन्य रोग की हिस्ट्री रही है, पहले किसी तरह के रोग आपकी आँखों में हो चुके हैं, तो इसका प्रयोग शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर इस डिब्बी को खोलने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसे पूरा यूज़ करना होता है, उसके बाद फेंक दिया जाना चाहिए। बात आती है कि कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सामान्य तौर पर स्वस्थ आँखों वाला कोई भी व्यक्ति अथवा महिला इसको प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को यह आई ड्रॉप प्रयोग करने के लिए प्रशस्त नहीं है, चूँकि यह आँखों में काफ़ी ज़्यादा जलन पैदा करती है। कुछ समय के लिए बच्चे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बाकी जिनका चित्त मजबूत है, जो थोड़ी बहुत चीज़ पुकार को बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसे लोग इस आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस उजाला आई ड्रॉप का यूज़ किया है? आपका कैसा अनुभव रहा इसके बारे में हमें आप बताइए।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा यह चैनल है प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में लगा घंटी का बटन आप दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुँचते रह सकें। बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में आपके साथ में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।